संजय जी, ये जनादेश एक बहुत बड़ा आईना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह के हमले बीते दिनों किए गए हैं, अब शब्दों के पत्थर उछाले गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जनता उनकी सबसे बड़ी आस्त बनकर आपके सामने खड़ी हो गई है। मुझे पता है पीएम की प्रशंसा को लेकर आप लोग कहेंगे कि एक एक मत कीजिए, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट, नंबर टू पर मध्य प्रदेश, और ऐसे राज्यों में अगर ऐसी प्रचंड जीत विदाउट सीएम कैंडिडेट बीजेपी को उम्मीदवार बनाकर पीएम लाते हैं तो प्रशंसा करनी होगी, जैसी प्रशंसा हम कर रहे हैं कि तेलंगाना में आपने केसीआर को उखाड़ फेंका। संजय जी, बिल्कुल, आज जब तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा होगी और होनी चाहिए और आप अवश्य करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम फ्रंट फुट पे सबसे आगे बढ़ करके पार्टी का प्रचार करते हैं, पूरे प्रचार की जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, वो खुद भी बोले कि मोदी की गारंटी है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की भी आप तारीफ करेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो राजनीति की जमीन होती है ना, वो बड़ी खुरदुरी होती है, बड़ा उबड़ खाबड़ सा होता है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव, हार जीत लगी रहती है। तो ठीक है, ये चुनाव हम हार गए हैं और जनता के इस फैसला को, चूंकि एक जनतांत्रिक परंपरा है, इस परंपरा में जनता के इस फैसले को हम स्वीकार करते हैं, हम मान्य करते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि चुनाव प्रचार के दरमियान एक तरफा कोई किसी के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे थे, दोनों तरफ से लगाए गए। क्या प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी के बारे में जो बातें कही, क्या वो स्वीकार्य है सबको? मुझे नहीं लगता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने या फिर बीजेपी ने, सभी ने एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बातें कही जो थोड़ा सा आपत्तिजनक सबको लग सकता है। और जब चुनाव प्रचार होता है तो इस प्रकार की टीका टिप्पणियां होती रहती है, और चुनाव प्रचार के बाद मुझे लगता है टीका टिप्पणियों को भूल जाना चाहिए और जीत को एक आशीर्वाद के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और हार के बाद उसका विश्लेषण करते हुए उससे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो तीन राज्यों में जीती है, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, उनको बधाई दूंगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में, जहां पर हम 21 सीटों पे पिछली बार थे, इस बार एकदम से एक बहुत अच्छी, एक कंफर्टेबल बहुमत लेकर के हम सरकार बनाने की स्थिति में आए हैं, तो निश्चित तौर पर वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के नेताओं को भी बहुत बहुत बधाई देने की आवश्यकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तेलंगाना जैसा स्टेट जिसको बनाने में आदरणीय सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी, 2013 में जब लगभग बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे, तब जाकर के हमारी सरकार ने एक फैसला लिया था कि आंध्र प्रदेश का विभाजन होना चाहिए और तेलंगाना की मांग वर्षों पुरानी मांग है, इस मांग की पूर्ति करनी चाहिए। और इस मांग की पूर्ति करते हुए हमने आंध्र प्रदेश को अपने हाथ से खो दिया, जो आंध्र प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड था। बावजूद इसके हमने जब खो दिया तो भी हम कोई बात नहीं, हमने तेलंगाना बनाया, उस तेलंगाना को, उस तेलंगाना के लोगों ने आखिरकार कांग्रेस को आज आशीर्वाद दिया, ने जो अच्छा काम किया उनकी भावना, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, उसके लिए जो सम्मान दिया, उस सम्मान को हम स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में तेलंगाना, गौरव भाटिया जी कुछ देर में, ठीक है संजय जी मैं लौट रही हूँ, गौरव भाटिया जी कुछ देर में जुड़ेंगे, क्योंकि अब बीजेपी मुख्यालय में बहुत हलचल है, पीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है कि तमाम प्रवक्ता नेता वहां पर बिजी हो गए हैं। लेकिन हमारे साथ वारिस पठान जुड़ गए हैं, जिनके बाद यहां पर बैठे मेहमानों से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। वारिस पठान जी, 7 सीटें पिछली बार जीती थी और लगता है कि 7 पर ही अभी 4 में तो आगे चल रहे हैं, 3 में और खबर आई है कि आप लोग आगे चल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जिस केसीआर के साथ आपने हाथ मिलाया, कल तक खूब उनकी बड़ाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, आज वो तो हवा में उड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको धरातल पे पहुंचा दिया है। अब हैदराबाद में जो ये ओवैसी का कायनात चलती है, चौक चौराहे पे जो एक से बढ़ के एक भाषण दिया जाता है, एसपी डीएम सब सुनते हैं उनकी ऊंची नीची, सब तो खत्म हो जाएगा साम्राज्य उनका। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद ही दूंगा, बधाई जो जो जीते उनको दिली बधाई, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और जो हारे उनके लिए एक चुनाव हारे, हिम्मत हौसला नहीं आ रहा है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते, आज हारे कल जीतेंगे। लेकिन मैंने तो आपको कल भी कहा था अंजना जी कि आप लिख लीजिए कलम कागज उठा के कि हम 7 सीटों पर जीत रहे, हम लड़े 9 सीट के ऊपर, 7 में जीते। हाँ, यकीनन बीआरएस पार्टी को थोड़ा झटका वहां पे पड़ा है, केसीआर साहब ने काफी मेहनत की 10 साल के अंदर, मगर जनता जनादर है, जनता ने जिसको पसंद किया, जनता ने जिसको वोट दिया, जिताया, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं चुनाव को, तो अच्छी एक बात है। अब देखिए, अब ये कांग्रेस वाले जो बैठे संजय भाई, उनको मैं बोलना चाहूंगा, आप ये बाजा बजाना हमारे खिलाफ छोड़ दीजिए, बी टीम सी टीम डी टीम का, क्योंकि आप देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में नहीं लड़े आप हारे, राजस्थान में हम सिर्फ 8 सीट के ऊपर लड़े आप हार गए, मध्य प्रदेश के अंदर आप 3 सीट के ऊपर लड़े आप हार गए,
अब ये बाजा बजाना छोड़ दिया और अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आपके पास राजनीतिक सलाहकारों की कमी है, आपके पास टांग खींचने वाले ज्यादा है, सलाह देने वाले कम है, तो उसके ऊपर आपको बात करना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए, नहीं कि बार बार इनकी वजह से जीत रहे, इनकी वजह से जीत रहे, ये इनको बंद करना चाहिए। हाँ यकीनन हमको और इंट्रोस्पेक्शन करना, आगे मेहनत करेंगे, और अभी भी वक्त बाकी है अंजना जी, मैं 9 सीट का बोला हूं, 7 तो जीत गए हैं, 2 बाकी है, काउंटिंग जारी है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता अच्छा है, अच्छा कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, जनता का थोड़ी सी सलाह आप ओवैसी साहब को भी दे दीजिए कि केसीआर का बाजा बजाना वो बंद करें, क्योंकि वहां पर बांसुरी फूंक फूंक के भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, हवा में वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर अगर वो 39 सीट्स पर, वहां पर बीजेपी ने भी 7 सीटों में गेन किया है, 8 पर पहुंचे हैं। जल्दी से चेतन भगत जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये मैंडेट क्या कह रहा है? तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने कहा था, पीएम ने कहा था कि कमल उम्मीदवार है, नो सीएम फेस, ये क्या बता रहा है? पीएम के फेस पर 24 के पहले बड़ी मुहर, ये 3 चीजें बता रहा है। एक तो ये कि पीएम मोदी से ज्यादा भरोसेमंद पॉलिटिकल ब्रांड देश में नहीं है, और अगर वो है स्पेशली नॉर्थ में, स्पेशली हिंदी भाषी जगहों पे, और बहुत ज्यादा बरकरार है, इतने सालों बाद भी बरकरार है। दूसरी बात ये बता रहा है कि कांग्रेस कई लेवल्स पे फेल हो रही है, बोलो या क्या बोले, अभी जो भी कह ले, हार रही है। पहली बात तो ना उनकी आइडियोलॉजी चल रही है, किसी को समझ नहीं आ रही मोहब्बत की दुकान में मिलता क्या है, और शॉपिंग कार्ट में क्या डालें, और क्या होम डिलीवरी है, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी लोगों को, आई एम श्योर उसके पीछे इंटेंशन अच्छा है, विचार अच्छा है, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये, आइडियोलॉजी के अलावा एक गवर्नेंस होती है, ये जीते हुए प्रदेश हारे हैं, जीते हुए जब आप प्रदेश हारे हैं तो आपके पास आपका कैंपेन, आपकी नारेबाजी नहीं दिखती, मेरे ख्याल से आप 5 साल से बैठे हो, आपने क्या किया वो लोगों को दिखता है, और वो लोगों को जो बीजेपी है जब वो आ जाती है सत्ता में तो वो कोशिश करती है बार बार आए। पीएम मोदी भी जब सीएम थे तो वो सीएम बार बार बने, फिर पीएम बनते ही जा रहे हैं, और अभी तीसरी बार भी बनेंगे, तो एक वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। और तीसरी लेवल पे जो आखिरी मोमेंट पे जो स्लॉग ओवर्स जैसे क्रिकेट में कहते हैं, बूथ मैनेजमेंट वगैरह है, वो भी कांग्रेस नहीं कर पा रही है, बिकॉज कई चुनाव ऐसे थे जो एमपी वगैरह में तो सब कह रहे थे, बीजेपी वाले खुद कमजोरी विकेट पे लग रहे थे, पर वो उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और आखिरी चीज, ये इंडिया अलायंस क्या है? अब अंजना जी मेरे को एक बात बताओ, क्लास में जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है उनको अगर साथ बिठा दोगे तो क्या वो टॉप कर लेंगे एग्जाम? नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन अब जो क्षेत्रीय छत्रप उसमें है, ममता अपने गढ़ में मजबूत है, ममता पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूत है, यहाँ पर नीतीश कुमार बिहार में बहुत मजबूत है, तेजस्वी यादव नीतीश का जो मुझे ये राष्ट्रीय चुनाव है ना मैम, रीजनल पार्टी का एक रीजन में बहुत मजबूती हो सकती है। अब आप राष्ट्रीय समूह बना रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इंडिया अलायंस है, उसमें आपकी कांग्रेस पार्टी है जो इतनी बड़ी पार्टी है, और वो ऐसी जोरदार हार हुए जा रही है बिना सीएम कैंडिडेट के, बिना कोई चेहरे के वो, और 4 बार मध्य प्रदेश में 4थी बार वो जीत रहे हैं, मतलब ये ठीक है, तेलंगाना है, और तेलंगाना है, टीआरएस से उन्होंने बीआरएस कर दिया, बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से वो राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय राष्ट्रीय समिति बना रहे थे, तो क्योंकि उनको लगा इंडिया के मुकाबले मैं खड़ा हो जाऊंगा विपक्ष का, खुश रहिए फिर तेलंगाना से, ये राष्ट्रीय सपना मत लो, हाँ तेलंगाना से खुश रहो। अब प्रदीप जी के पास जाते हैं जो कि पूरा एकदम हेलमेट सब कुछ पहन के निकले थे मैदान में, होम पिच पर तो आपने जबरदस्त मारा है, तेलंगाना में भी स्पॉट ऑन हुए हैं आप, ससुराल वाला मामला आपका थोड़ा सा बिगड़ गया, अंजना जी और राजस्थान भी, अंजना जी राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे आप देखेंगे कि हाँ हमने ये जरूर कहा था कि कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46 सीटें दी थी, उसका क्या मतलब है कि सरकार बनाते नजर आ रहे हैं, और राजस्थान में 100 सीटें, 100 ही मेजॉरिटी मार्क चाहिए बीजेपी को दी थी, वहां भी सरकार बनाते। हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो एक्सेस माइंडिया जिसके लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्पॉट ऑन रिजल्ट है, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं है। बस इतना ही बोलिएगा, नहीं अब कैसे, अरे थोड़ा सा खुशी मना लीजिए मध्य प्रदेश का, थोड़ा मुस्कुराइए ना, नहीं ठीक है, इतना क्या ग्लूम दिखाना आपने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, ये सच है, लेकिन ये भी मानना होगा, स्वीकारना होगा कि दोनों मैंडेट्स क्लियर है,
वन साइडेड है, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं था ना छत्तीसगढ़ में ना राजस्थान में, बिल्कुल सही, उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया, बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन आप खुश रहिए, आपने दो टू मतलब टू आउट ऑफ फोर ऑल्सो प्रिडिक्ट करना, टू स्टिक आउट योर नेक और प्रिडिक्ट करना नंबर्स बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किल काम होता है, साइंटिफिक तरीके से आप करते हैं इसे, बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ करते हैं, उस बात को श्रेय जरूर मिलना चाहिए। शशि शेखर जी, एक कमेंट आपसे, ये तीन राज्यों की जीत क्या बता रही है, तेलंगाना की जीत क्या बता रही है? मैं इसे थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं। अंजना, विंध्य के उस पार भाजपा जो ये सोच रही थी कि वो वहां पे कुछ ज्यादा कर लेंगे, वो उन्हें करने में अभी समय लगेगा, और विंध्य के उस पार का जो इलाका है वहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों की स्वीकार्यता बढ़ रही है। दूसरा, उससे एक बहुत साफ साफ दिखने लगा है, ये जो तीन स्टेट थे या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी, वहाँ उनकी लड़ाई बीआरएस से थी। बीआरएस एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से हार गई। इसका एक संकेत ये भी निकलता है कि अब धीमे धीमे विचारधाराओं में बटकर दो दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये आज होगा, कल होगा, नहीं होगा, लेकिन आज का संकेत यही है, नहीं तो बीआरएस इस तरह नहीं हार सकती थी।